Okay, I'm so sorry that मैंने देखा ही नहीं कि आपकी क्लास एंड होने वाली है. Okay, so who was okay? We were talking to Alishba, right? Let Alishba join the class and then we continue. ओके सो वेयर इज अलिशबा. अलिशबा किधर गई? अलिशबा ने अभी भी ज्वाइन की थी क्लास. नाउ वेयर शी इज. ओके यू आर हियर अलिशबा. सॉरी मैं ना आपको ज़ैनब और तलबिया के बीच में देख ही नहीं सकती. सॉरी. ओके अलिशबा अनम्यूट योरसेल्फ एंड अलिशबा टेल अस दैट व्हाट डिड यू लर्न इन सबट्रैक्शन. आपने सबट्रैक्शन में क्या पढ़ा? उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी और उसको कैसे करना है वो सीखा. ओके डिफरेंट वेज और डिफरेंट वेज देखे. एक्सेलेंट. वेरी गुड अलिशबा. ओके ज़ैनब अनम्यूट योरसेल्फ ज़ैनब और मुझे बताएं आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा. अनम्यूट मतलब कम को ज्यादा करना. कम को ज्यादा करना. कम को ज्यादा करना. अगर कोई चीज 3 हो उससे हमें ज्यादा करना है तो हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. सिर्फ 3 से नहीं करते. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना. लेट सपोज अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो 2 5 सा 10. 10 ठीक है. तो हमारे पास लेट सपोज एक जार के अंदर 2 टॉफीज थी ठीक है और हमें उसके अंदर 10 टॉफीज चाहिए थी. तो हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ठीक है. तो हमें एक चीज है इस तरह से करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन की ठीक है. हमें ज्यादा करना है. एक्सलेंट. वेरी गुड. ओके सो आई हैव अ वर्कशीट. आई हैव वन वर्कशीट फॉर यू ऑल ठीक है विच आई विल बी गिविंग यू एन होमवर्क एज वेल जो आपको अपनी कॉपी में जो है ना वो करनी होगी. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज हम जैसे ओरली सॉल्व करते हैं ना वर्कशीट को विल बी सॉल्विंग दैट वर्कशीट ठीक है. अभी कोई अपनी कॉपी में कुछ लिखेगा नहीं ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू जस्ट डू इज यू आर जस्ट सपोज टू जस्ट लुक एट द स्क्रीन ठीक है. जस्ट लुक एट द स्क्रीन. गिव मी अ सेकंड आई एम ओपनिंग इट. Okay, so here it is. Let's share the screen. Okay. So here is the worksheet. अभी अपनी copies को बंद रखें. Just close your copies. Don't look anywhere else. ठीक है. डोंट लुक एनीवेयर एल्स. इट्स अ बिट ट्रिकी वर्कशीट ठीक है. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू सपोज टू डू इज अच्छा ये पूरी वर्कशीट जो है ना है तो मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट. बट देयर इज अ ट्विस्ट इन इट. देयर इज वन क्वेश्चन जो किसी और ऑपरेशन का है ठीक है. हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े हैं ठीक है. अभी तक हमने सिर्फ 3 ऑपरेशंस पढ़े हैं. डिविजन नहीं पढ़ा है. मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है. एम आई राइट? ठीक है. हमने डिवीजन अभी नहीं पढ़ा है. वी विल स्टार्ट दैट फ्रॉम मंडे ठीक है. बट अब इसके अंदर ये सारे तो देखें लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स राइट. बट इसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन हो रही है या एडिशन हो रही है. तो ये यू आर गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट विच क्वेश्चन इज दैट. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सबको स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है. वर्कशीट बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है. सबको वर्कशीट क्लियर नजर आ रही है. जस्ट सेंड मी अ थम्स अप थ्रू जूम. शो गिव मी अ थम्स अप थ्रू जूम. आई होप सबको वर्कशीट क्लियरली नजर आ रही है. इट्स वेरी क्लियर. ओके सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ओके. ओके सो दे आर सेइंग हैव अ गो एट सॉल्विंग दीज मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम्स. गो एंड सॉल्व दीज मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम्स ठीक है. Spot the trick problem which is not a multiplication problem. अब वो आपको यहाँ बता रहे हैं
वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप वो ट्रिक प्रॉब्लम स्पॉट कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस रीड करके दे रही हूँ. ओके, नाउ यू आई विल गिव यू 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. मैं आपको 2 मिनट्स दूंगी जिसके अंदर यू आर सपोज टू स्पॉट which is not the multiplication problem. ठीक है, so listen to all the questions very carefully. ठीक है, question number 1 says a pack of pens contains 6 pens. एक pack of pen है जिसके अंदर 6 pens हैं. How many pens in 7 packs? ठीक है, आपको पता है अब यहाँ multiplication होगी, आप जो भी operation होगा you are supposed to you know that. Okay, How many wheels on 12 cars? एक wheel, एक car में कितने wheels होते हैं? Everyone knows that 4 wheels होते हैं. ठीक है, तो they are asking how many wheels in 12 cars. ठीक है, a paper clip is made from 10 centimeter of wire. एक paper clip बना हुआ है जो 10 centimeter of wire से बना हुआ है. How much wire would I need for 11 paper clips? ठीक है, हमें 11 paper clips बनाने के लिए कितनी वायर चाहिए होगी? आपको पता है मल्टीप्लीकेशन करनी है या जो भी ऑपरेशन करना है. सेली रन्स फॉर 3 miles अ डे. एक गर्ल है सेली जो 3 miles हर रोज रन करती है. हाउ फार विल शी रन इन 2 weeks? वो 2 weeks में कितना फार भागेगी? क्वेश्चन 5 सेज आई बाय 12 एप्पल्स ऑन मंडे. I bought 12 apples on Monday. मैंने 12 apples किस दिन खरीदे? Monday को. And 7 more on Tuesday. और फिर मैंने 7 apples more खरीदे कब? Tuesday को. How many have I bought in total? मैंने कितने total खरीदे? Question 6 says a multiple pack bag of crisps holds 6 packets. एक चिप्स के पैकेट हैं. ठीक है, एक चिप्स का पैकेट है जिसके अंदर डिफरेंट पैकेट्स हैं, चिप्स के 6 पैकेट्स. हाउ मेनी पैक्स ऑफ क्रिस्प इन 12 पैक मल्टी पैक्स? ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, बेटा स्टॉप रेजिंग हैंड. सबर, अभी मैं टाइम दूंगी आपको सोचने का कि विच इज द डिफरेंट ट्रिकी वन. क्वेश्चन 7 इज इट टेक्स अ रॉकेट 7 seconds टू ट्रेवल अ माइल. एक रॉकेट को 7 seconds लगते हैं 1 mile कंप्लीट करने में. ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द रॉकेट टू गो 4 miles एट द स्पीड? हाउ, वो कितना टाइम लेगा 14 miles कंप्लीट करने में किस सेकंड्स में? नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इट्स 3:15. आई विल बी गिविंग यू चांस. ओके, ओके, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर रही हूँ. यू आर गोइंग टू आंसर, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. मैं 3:17 पे चैट बॉक्स चेक करूंगी कि किसने आंसर मुझे बताया है, और वो पूरा एक्सप्लेन करेगा, वो स्टूडेंट मुझे पूरा एक्सप्लेन करेगा कि ये आपको कैसे पता चला कि ये डिफरेंट ट्रिकी क्वेश्चन है. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई होप यू ऑल आर हैविंग इट, कैन सी इट. नो नीड टू रेज हैंड्स. चैट बॉक्स में जिसका आंसर आएगा मैं उसके जो है वो उसको ही सिर्फ अनम्यूट करके पूछूंगी कि व्हाट इज द विच क्वेश्चन इट इज. रीड इट केयरफुली, रीड करें केयरफुली, रीड इट वेरी केयरफुली. देयर इज अ ट्रिकी वन. आई विल ओपन द चैट बॉक्स ऑन 3:17. इट्स 3:16 ऑलरेडी, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट. No need to raise hands. Answer, give the answer in the chat box. बेटे एक दफा आंसर दें अब्राहम. No need to write it so many times. I won't be giving you a chance if you'll be doing such things. एक दफा आंसर दे, that's it. मैं एक ही दफा मैं पढ़ लूंगी, आप जितनी दफा उसको, मैं एक ही दफा मैं उसको पढ़ लूंगी. Okay, so as I have opened the chat box, so till now only 1, 2, 3, 4, 5,
5 students have given me the answers so far. Okay, 6. Fadeha also gave. Okay, so yes, Abraham Hassan. Okay, Hassan, very good. Okay, Abraham, very good. Alishba. Okay, so Alishba, question 8 to hai nahi hamare paas. सिर्फ हमारे पास तो क्वेश्चन 7 है. क्वेश्चन 1 से लेके देर आर ओनली 7 क्वेश्चंस. क्वेश्चन 8 तो है ही नहीं. ओके, अगेन अब्राहम हैज गिवन मी सो मेनी आंसर्स. रेहान 42, देर इज नो क्वेश्चन 42. ओके ज़ैनब, यू हैव आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर. फरीहा, कोई क्वेश्चन 42 नहीं है यहाँ पर बेटा. अलिशबा, आपने जो 7 क्वेश्चन लिखा है that is the wrong answer. Ayan Ashraf, beta 14 question to isme hai hi nahi kahin. Okay, Maheen, aapne sahi kaha hai, lekin aap mujhe question number bataein. Isme question number kaun sa hai? Question 1 hai, question 2 hai, question 3 hai. Mujhe ye nahi chahiye. I want the question number. Fariha, 42 kya beta? 42 kya? Unmute karein bete. Where are you, Fariha? जी फरीहा, जरा अनम्यूट कीजिए और मुझे बताएं कि 42 क्या, 42 व्हाट. फरीहा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी दैट व्हाट 42 यू आर सेइंग. वेयर इज फरीहा गॉन? शी लेफ्ट द क्लास. ओके, okay, Talbiya has also given us the correct answer. Maheen has also given us the correct answer. Okay, so the correct answer for this worksheet of the trick question is question number 5. In question number 5, acha chale, let's give a chance to someone else who can explain it. Chale Maheen, bataiye, explain kijiye Maheen hame that how did you got to know that question number 5 is a trick question. Teacher, because there were Ali was by Monday 12 apples and then Tuesday 7 apples. Okay. So then, now we will add an apple. 12 plus 7. बेटा, my question is, मेरा question ये है कि आपको पता कैसे चला, क्या कोई word ऐसा लिखा हुआ है या क्या ऐसा show हो रहा है कि आपको पता लगा कि this is the addition, this में addition हो रही है. जी बेटे, teacher मैंने add करके देखा पहले, तभी मुझे पता चला. ऐसे तो मैं सबको add कर देख सकती हूँ, मुझे तो answer पता चल जाएगा फिर. जी हसन बताइए, हसन आपको कैसे पता चला कि जो है वो क्वेश्चन 5 जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है. मिस, इन क्वेश्चन 5 देयर इज रिटन टोटल. सो व्हाट डज दैट मींस? टोटल मींस वी हैव टू ऐड. ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड. ओके, दोस्त स्टूडेंट्स हु आल्सो गेव द करेक्ट आंसर, एक्सीलेंट, वेरी गुड. ठीक है, आई होप आप सबको ये वर्कशीट अच्छी लगी. आई हैव मोर वर्कशीट्स लाइक दिस एंड या वी विल बी डूइंग इट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, ओके, सो योर होमवर्क. ओके, सो ओके, लेट्स नॉट डू द गिव द होमवर्क, हम ये वर्कशीट सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स शेयर द वर्कशीट अगेन. ओके, तो आप कहाँ चले गए आप लोग? Okay, question number 1. Now you need to do. अच्छा, अब obviously आपने spot कर लिया है कि question number 5 is the trick question, right? ठीक है. So obviously हम जब इस पे आएंगे तब हम इसका answer भी देख लेंगे कि क्या answer है. Let's start from the question number 1. As you all know, this is a multiplication worksheet. I want to hear the answer from you people in the chat box. ठीक है. I won't be unmuting you. मैं आपको चैट बॉक्स खोल रही हूँ. यू आर सपोज टू गिव द आंसर ओवर देयर. क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ पैक ऑफ पेन्स कंटेन 6 पेन्स. एक पैक ऑफ पेन में कितने पेन्स हैं? 6 पेन्स. हाउ मेनी पेन्स इन 7 पैक्स? हाउ मेनी पेन्स? आई वांट द आंसर इन द चैट बॉक्स.
बेटा फरीहा, यू व्हाई डिड यू लेफ्ट द क्लास? वेयर इज शी फरीहा? वेयर इज शी फरीहा? अनम्यूट करो बेटा. नो टीचर, मैंने लेफ्ट तो नहीं किया. बेटे तो आप मेरे पास शो क्यों नहीं हो रही थी? टीचर मैंने तो लेफ्ट नहीं किया, पता नहीं नेट प्रॉब्लम. टीचर वैसे हमारे नेट प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर फरिया, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर वन, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज 42. एक्सेलेंट, वेरी गुड. जैनब, अब्राहम, तलबिया, हसान, फरिहा, वेरी गुड. रेहान, एक्सेलेंट. यस, वी मल्टीप्लाइड सिक्स पेन्स with 7 packs. Excellent. Because there were 7 packs and 6 pens in each pack. So we did 7 multiply by 6 and the answer came as 42. Excellent. How many wheels on 12 cars? 12 cars hai. Aur in every car there are 4 wheels. So what's the answer? Fariha, wrong answer. No. Abraham has given the correct. Abraham ne sahi answer diya. Hasan, wrong. No. Yes, Zainab has also given the correct answer. Hasan, 12 cars hai. Aur 12 cars ke har car mein 4 wheels hai. Yes, now, yes. Correct answer by Rehan, Hassan, Maheen, Abraham, Zainab, Talbiya also gave the correct answer. Okay, so yeah, the correct answer for question number 2 is 48. 48 wheels are there in 12 cars. Is it clear? Kitne wheels hai 12 cars mein? 48 wheels in 12 cars. Okay. Question number 3. Question number 3 says that, okay, so the question number 3 says a paper clip is made from 10 centimeters of wire. How much wire would I need for 11 paper clips? Ek paper clip jo hai wo 10 centimeter wire se bana hua hai. Mujhe 11 paper clips ke liye kitne centimeter wire chahiye hogi? Okay, so far Hassan and Abraham has given us the correct answer. Rehan also gave the correct answer. Zainab, bete, why are the rest of the students not participating? Bar bar ek hi naam kyun aa rahe? Maheen, no, answer is wrong. Hiba, what are you doing? Abdul Bari, Shabi Fatima, Ayan Ashraf, Amna, Isha Khan, Rubaisha, what are you people waiting for? Ayan Abbas, Abdullah. Why can't I see? Ayan Ashraf, you have also given the correct answer. Talbiya, aapne bhi correct answer diya. Hiba, no, you have given the wrong answer, beta. Look at the question carefully and then do solve it. Alishba, no, wrong answer. Bete, you need to multiply 10 by with 11. So, soche. Multiply, बेटे, why haven't you kept a rough copy with you? अपने साथ rough copy रखें और उसमें solve करते जाओ ना, ताकि आपको easy रहे वो. When you solve it by yourself, ना, it's so easy for you. जी रुबाइशा, unmute yourself रुबाइशा, बोलो बेटा. जी मैं कह रही हूँ उसमें करना क्या है? बेटे मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट है ये. तो मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट है तो क्या करना होगा हमें, बताएं आप. मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट है तो मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट में क्या करना होगा बताइए. कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन की वर्कशीट में आप? प्लस करेंगे ना. बेटा क्यों प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जब वर्कशीट मल्टीप्लिकेशन की है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज होगा ना. दिस साइन वी विल यूज दिस मल्टीप्लिकेशन साइन.
Okay, so question number 4 says you can understand or you cannot understand. Fariha, unmute karo beta. Teacher, I can't understand number 5. Beta, number 5 pe hum aayenge na, main explain kar dungi, theek hai? Okay, so question number 4 says okay, so the question number 4 says Sally runs for 3 miles. ठीक है, Sally runs for 3 miles a day. एक दिन में वो 3 miles run करती है. तो वो 2 weeks में कितने कितने miles run करेगी? Find out the answer. Very good, Ishal Khan. Alishba, no, you are given the wrong answer. Talbiha, no. Talbiha, nahi. Galat hai. Answer. Wrong answer, sorry. Still. Okay, Talbiya has also given the correct answer. Mahi. Amna, no. Achha, okay, so this is a trick question again. It means, dekhen, aap usko dekhen gaur se. Wo aapse keh rahe hai, Sally runs for 3 miles a day. Theek hai? सेली कितने माइल्स अ डे? अ डे मतलब एक दिन में, ठीक है? एक दिन में वो 3 माइल्स रन करती है, ठीक है? तो 2 वीक्स में उसने कितने किए? अब 2 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे? हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 2 वीक्स? 7 प्लस 7 14 डेज, राइट? तो हम 3 को मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे. तलबिया, आपने जो आंसर दिया था ना 42, दैट वाज करेक्ट. ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 14 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 इज 42. तो द आंसर वाज करेक्ट तलबिया. The rest of the students, those who have given the answer is wrong. Amna Tabish, aapne 42, nahi, aapne 4 diya hai answer. Amna Tabish, aapne 42 kaha hai na bitte, that's the correct answer. Very good. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 वीक्स की बात हो रही है और फिर वो आपको ये बता रहे हैं कि एक दिन में उसने 3 वो किए हैं. अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो इट विल बिकम 6. वो 6 माइल्स तो नहीं रन कर रही है ना. शी इज रनिंग 42 माइल्स इन 2 वीक्स. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5 जी फरीहा, सुन लीजिए और समझ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं और वो कैसे एडिशन का है. वो आपसे कह रहे हैं आई बाय 12 एप्पल्स ऑन मंडे. मैंने बाय किए 12 एप्पल्स किस दिन? मंडे को. ठीक है, एंड 7 मोर ऑन ट्यूजडे. मैंने 7 और एप्पल्स कब बाय किए? ट्यूजडे को. तो हाउ मेनी हैव आई बॉट इन टोटल? मैंने टोटल में कितने बाय किए? ठीक है, तो इसलिए मैंने 12 और 7 को ऐड किया तो पता चल गया कि मेरे पास कितने एप्पल्स हो गए. मैनी सॉरी 19 एप्पल्स. एक्सेलेंट, वेरी गुड. यस अलिशबा, हसान एंड अब्राहम हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ओके, सो द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट क्लास. एंड एज योर टाइम इज ओवर, मिस एनी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू ऑल. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज. गो जॉइन हर क्लास. ओके, Love is, have a nice weekend. Your homework is very soon coming on the software.